अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। ये है 2024 की लास्ट सीरी जिसकी कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड की थी, सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो रमज़ान की स्टार्टिंग सीरी में तो मैं पराठा खाती थी, लेकिन बाद में मेरी टेंटेटिवनेस हो गई और फिर मैं खाने लगी ब्रेड विद कस्टर्ड, आप देख रहे होंगे। और ये था मेरा सहरी का टाइम। इस ब्रेड में मैंने वाइट गार्लिक चटनी ऐड की हुई है। आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। सो फ्रेंड्स, ये है ईद का दिन और आज मैं मटन स्टू बना रही हूँ। एक प्रेशर कुकर में थोड़े से ऑयल को गर्म किया, साथ में ऐड किए कुछ खड़े गरम मसाले जैसे कि तेज़पत्ता, ज़ीरा, शाहज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची और लौंग। और इन सारे मसालों के साथ कुछ कटी प्याज, आप देख रहे होंगे स्लाइसली कट प्याज की है, जिसको थोड़ा सा ही हम फ्राई करेंगे। जब ये इस तरह की फ्राई हो जाएगी फिर इसमें हम मटन को अच्छे से हाथों से स्क्वीज करने के बाद ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से भून रहे हैं। जब तक कि इसका कलर पिंक से वाइट नहीं हो जाता तब तक हम मटन को भुनेंगे, और जब ये भुन जाएगा तो फिर हम इसमें फ्रेश दही ऐड कर देंगे। तो जो दही है वो बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वाइट स्टू जो डिश बना रहे हैं हम उसका। तो दही को ऐड करने के बाद अगेन हम इसको अच्छी तरह से भुनेंगे। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और साथ में खड़ी लाल मिर्च भी ऐड की है मैंने, और साथ में थोड़ा सा पिसा गरम मसाला भी ऐड किया है। पिसा गरम मसाला इसमें हम थोड़ा सा ही ऐड करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ऐड करने से इसका कलर एकदम चेंज हो जाता है। और बस पिसा गरम मसाला ऐड करने के बाद थोड़ा सा भुनेंगे और फिर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। फिर से हम इसको भुनेंगे अच्छी तरह से, और इसमें डलने वाली सारी चीज़ें जो है ना, मसाले वगैरह डल गई हैं। अब लास्ट में हम इसमें कच्ची प्याज जिसको मैंने स्लाइसली कट किया है वो ऐड कर देंगे, और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और बस प्रेशर कुकर के ढक्कन को हम लगा देंगे और मटन को जितनी देर कुक होने में लगती है उससे थोड़ा पहले ही हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि अगर हम मटन को पूरी तरह से कुक करेंगे ना तो फिर इसको भुनने में ये ओवर कुक हो जाएगी। जो प्याज हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो काफ़ी पानी छोड़ देती है और फिर उसको सुखाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो बिल्कुल बोटियां जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी अगर हम इसको कम्प्लीटली कुक करते हैं। इसलिए हम इसको पूरा नहीं पकाएंगे, थोड़ी सी कसर रह जाएगी, बस उतना बंद कर देंगे और फिर इसको हम बाद में भुनेंगे तो जो कसर है वो पूरी हो जाएगी और मटन भी अच्छी तरह से गल जाएगा और अच्छी तरह से भुन भी जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज इसमें ऐड किया, थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अब बस इसको हम अच्छे से मिक्स करके कुक होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर का ढक्कन खुल चुका है और कितना सारा प्याज ने पानी छोड़ दिया है। ये सारा पानी हमने सुखाना है। और ये देखिए, दो तीन ये मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं और पिसी जो काली मिर्च होती है वो भी ऐड कर दी है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और बढ़िया भुनेंगे। जब तक अच्छे से ये भुन नहीं जाता, इसमें ऑयल जो है वो छूट नहीं जाता और पूरा जो शोरबा है ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हम इसको अच्छे से भुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भुन गया है और मैंने इसको डिसॉर्ट भी कर लिया। माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर आया है, दिखने में जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही अच्छा इसका टेस्ट भी है। सो फ्रेंड्स, बड़ी ही ईजी सी रेसिपी है फ्रेंड्स मटन स्टू की, और मेरी फैमिली में सबको ये
बहुत पसंद है और ईद के मौके पर हमने इसको बड़ा ही इंजॉय किया। और ये मैं बना रही हूँ सेवई, जो बड़ी ही इजी होती है बनानी और जिस तरह से मैं बनाती हूँ तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है इसकी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, जो ईद की सेवई होती है वो तो बड़ी ही ख़ास होती है, बड़ी ही मज़े की होती है, क्योंकि खूब सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स डले होते हैं। और ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी सेवई बन के तैयार है। बड़ी ही मज़े की थी ये सेवई, जो हमने खूब इंजॉय की। और ये है ईद स्पेशल स्वीट्स, तो क्या है वो आप आगे देखेंगे। और ये है नमकीन वगैरह। और ये देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन सी स्वीट्स आई हैं। ये बूंदी के लड्डू, कोकोनट बर्फ़ी, बालूशाही और रसगुल्ले और नमक पारे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये ईद का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।